सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 29 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा साल 2022 में 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक फीबा वुमेन्स वर्ल्ड कप, और ये इसका 19वां संस्करण होगा। अच्छा, इसी तरह से और भी अपन इवेंट्स पड़े थे, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं 2020 में ही आपका जो नेशनल गेम्स होने वाला है अक्टूबर में होगा, ये कहाँ पे? गोवा में, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या रखा? रूबी गोला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, गोवा का ही राजकीय पक्षी है ये। उसके अलावा खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग, इसका पहला संस्करण होगा, और ये पहला संस्करण 3 चरणों में होना है, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और भुवनेश्वर में। उसके अलावा जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है 2023 में पुरुषों का, भारत में होगा, और महिलाओं का जो 2021 में होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में होगा। जबकि 2023 में पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भी आपका भारत में होगा, और 2022 में जो एशियन गेम्स होंगे वो आपके कहाँ पे होंगे? चाइना के झांगझू में होंगे, और 2022 में ही जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। जबकि महिला T20 वर्ल्ड कप जो इस साल हुआ अभी आपका ऑस्ट्रेलिया में, उसे किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा करके। और इसी साल पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भी आपका कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अभी अपन ने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण आपके आसाम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें विजेता रहा महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आपके भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें विजेता रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसी तरह से देखिए और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। तो देखिए, अगर आप लोग मुझसे कहोगे तो अभी जो भी न्यूज़ में अपन ने स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो अभी हो चुके हैं या जिनका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये कब होने वाले हैं, अगर आप कहोगे तो उस पर एक छोटा सा वीडियो 7-8 मिनट का बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेंगे तो मैं एक आध दिन में बना करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग एक काम करना, अपनी जो क्रेक जी की ट्रिक्स एप्लीकेशन है वहाँ पे फीडबैक पे जाकर के आप मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हो सकता है मैं आपका कमेंट न पढ़ पाऊँ, लेकिन आप जो फीडबैक में मुझे रिप्लाई करोगे वो डायरेक्ट मुझे मेल मिल जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो फीबा की अगर बात हुई है तो फीबा मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1932 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मीस स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं हमाने नियांग। बढ़ते हैं आगे। फिर है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो जब भारत की ग्रोथ रेट हाई रही थी उस समय के बारे में बताती है ये बुक, और इस बुक को लिखा है मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने, जो कि योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। बाकी सविता छाबड़ा की बात करेंगे, कल परसों ही 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था अपन ने, लीगेसी ऑफ लर्निंग नाम की बुक लिखी इन्होंने। भालचंद्र मुंगेकर की बात करेंगे, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नाम की बुक लिखी, और धर्मेंद्र रॉय ने द थिन माइंड मैप बुक इन्होंने लिखी थी। बढ़ते आगे। फिर है किस अस्पताल में COVID-19 संक्रमित रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल में। और कहां पर है ये अस्पताल? जयपुर में है। तो आपने न्यूज में देखा होगा या सुना भी होगा कि कई देशों में कोरोना वायरस से जो पीड़ित रोगी हैं उनका इलाज करते वक्त डॉक्टर खुद ही संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, और उस कारण से उनकी भी डेथ हो गई। तो ये वाकई गंभीर बात है, अगर डॉक्टर ही मारे जाएंगे तो भैया इलाज कौन करेगा? और इसीलिए अब जयपुर के सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल में इन रोगियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे ये रोबोट के जरिए उन मरीजों को दवाई वगैरह, भोजन वगैरह, अन्य वस्तुएं पहुंचाई जा सके, ताकि डॉक्टर के संक्रमित होने का खतरा कम हो जाए। अच्छा देखो, यहाँ पे जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, सफदरगंज अस्पताल, ये आपका दिल्ली में है, और ये न्यूज़ में क्यों था? हमने पढ़ा था कुछ समय पहले ही कि ये रोबोटिक सेवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना था, और ये सेवन हिल हॉस्पिटल जो है ये रिलायंस ने शुरू किया है मुंबई में। 100 बेड वाला हॉस्पिटल है ये, जो लोग कोरोना से संक्रमित है उनके इलाज के लिए शुरू करा गया है। बाकी सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल हमने कहा ये जयपुर में है, जयपुर राजधानी है आपके राजस्थान की। तो ये रहा मैप में राजस्थान, कैपिटल जयपुर हो गया, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, याद रखना। जयपुर का जो परकोटा है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गवर्नर हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और अभी 2-4 दिन पहले ही हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में लॉकडाउन
करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो बना था राजस्थान। और राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए थे, अगर याद है तो मेरे साथ बोलना। राजस्थान से सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं ओम बिरला जी, जो कि आपकी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान से आती है सुमन राव, जो कि मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। राजस्थान से आती है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बिहारी पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास स्वप्नपाश के लिए। और राजस्थान से आती है गौरवी सिंह भी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी थी ये। और राजस्थान से आती है पायल जांगिड, और ये पहली भारतीय बनी थी चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने उनको ये सम्मान दिया था। कुछ नृत्य याद रखो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि घूमर सबको याद होगा, गैर और चिरमी नृत्य भी यहीं का है। और राज्य के पशु की बात करेंगे तो चिंकारा हो गया, ऊँट हो गया। राज्य के पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हो आप लोग। और राज्य के पुष्प है रोहिड़ा। राज्य के वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष। सरिस्का नेशनल पार्क आपके राजस्थान में ही है। रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, ताल छापर नेशनल पार्क हो गया, ये सब यहीं पर है, ये सारे इंपॉर्टेंट है याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। मतलब यदि कोई व्यक्ति पहले वायरस से संक्रमित था तो इसकी पुष्टि करने के लिए भारत एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करेगा। ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो ब्लड में एंटीबॉडी की खोज करता है, और ये परीक्षण निर्धारित करता है कि व्यक्ति के ब्लड में एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर वायरस संक्रमण था या नहीं था। इससे उन लोगों की संख्या का एक्चुअल डेटा पता लग पाएगा जो वायरस के संपर्क में आए। अच्छा, इसी तरह से कुछ आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि COVID-19 के लिए असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, ये तो अपन ने कल ही पढ़ा था, गोवा। मतलब क्या होगा, जिसमें लोग डॉक्टर के पास जाए बिना ये पता लगा सकते हैं कि उनको मतलब वो कोरोना से इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसी तरह से याद रखना COVID-19 के खिलाफ संपूर्ण यानी कि पूरे राज्य में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना आपका राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो फिर आपका आंसर होगा पंजाब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे राज्य में इमरजेंसी COVID-19 के खिलाफ इमरजेंसी लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा केरल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करा करें। कम से कम एक बंदा एक वीडियो को लाइक जरूर करा करे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लाइक करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है आपके लाइक और शेयर करने से, तो अगले दिन मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और नए पॉइंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर करा करें। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस IIT ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर ने। तो IIT गांधीनगर ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य है घरों में बैठे छात्रों के कौशल को, स्किल को बढ़ावा देना। और इस परियोजना की जो प्रेरणा है वो सर आइजैक न्यूटन से ली गई है। कैसे? एक्चुअल में 1665 में लंदन में फैले प्लेग के कारण ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ने न्यूटन को घर भेज दिया था। और उसी साल जब वो 22 साल के थे न्यूटन, उन्होंने कुछ चर्चित सिद्धांतों की प्रिंसिपल की खोज की थी, जैसे कि ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण, जो एप्पल गिरता है पेड़ से वो वाली खोज की बात कर लें, या ऑप्टिक्स जिसे आप हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, तो ये सब खोज उन्होंने उसी वक्त की थी। अच्छा देखो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो रही है तो आपको याद होगा कुछ समय पहले ही QS वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, उसमें भारत का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पे रहा था, IIT बॉम्बे टॉप पे रहा था। और पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो IIT बॉम्बे 44 नंबर पे था। टॉप पे था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का। और यहाँ पे IIT मद्रास की बात करेंगे तो याद रखना भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा IIT मद्रास में, जुलाई 2020 में बोला है। और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा भी था, IIT मद्रास ने ही अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक इलेक्ट्रिक वाहन पार्क व डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने।
तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन पार्क के लिए 148 करोड़ और डाटा सेंटर पार्क के लिए 500 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव रखा है। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य है तमिलनाडु में नए निवेश को आकर्षित करना। अब बात तमिलनाडु की है तो येरा मैप में तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई है। बताया था मैंने आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में ही है। मुख्यमंत्री के एडापड्डी के पलानी स्वामी हो गए, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हो गए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था तमिलनाडु में जो नागरपट्टनम जिला है उसका विभाजन करके एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, मयिलादुथुराई जिला, और ये तमिलनाडु का 38वां जिला होगा। तमिलनाडु में एक फेमस मंदिर भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में ही है। और एक सबरीमाला मंदिर भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो कहाँ पर है, केरल में है। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय की बात करेंगे तो ये भी आपका तमिलनाडु में बना है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में किसे CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों यानी कि SK गुप्ता और KM प्रसाद। तो अभी भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता को CBDT बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना इसकी 1944 में हुई और इसका चेयरमैन कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है, ये आप याद रखना। अच्छा, ये तो CBDT है, एक होता है CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और ये भी अभी न्यूज में था क्योंकि इसके नए हेड बने थे अभी, कौन, M. अजीत कुमार। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट घटाकर कितना कर दिया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3.5%। तो अभी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 5.2% से घटाकर 3.5% रहने का अनुमान लगाया है। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था मोडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आया होगा अभी क्रिसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था किसने, अरुंधति भट्टाचार्य ने, और ये अभी सेल्स फोर्स की भारत में CEO बन गई हैं अरुंधति भट्टाचार्य। क्रिसिल की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1987 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO हैं इसके आशु सुयश। बढ़ते आगे, फिर है अभी हाल ही में भारतीय सेना ने COVID-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन नमस्ते। तो अभी सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावने ने कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। तो इसमें सेना ने टोटल 8 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं और सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसमें सरकार के दो लक्ष्य हैं बेसिकली। पहला लक्ष्य तो यही है कि सेना के जवानों को संक्रमित होने से बचाना, इन्फेक्टेड होने से बचाना। दूसरा लक्ष्य है जो संक्रमित लोग हैं उनको क्वारंटाइन कर इलाज सुनिश्चित करना। तो यह है ऑपरेशन नमस्ते। अच्छा, ये जो आपको ऑपरेशन नकेल दिख रहा है ये अभी गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए चलाया था ऑपरेशन नकेल। बाकी हमारे जो सेना प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें नंबर के हैं। अच्छा, आर्मी डे अभी, चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछूंगा, आर्मी डे अभी हमने कब मनाया था, देखते हैं किस किस को पता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, फिर भी देखते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर है हाल ही में किस देश की लैब ने कोरोना वायरस की जांच करने के लिए एक नई टेस्ट किट तैयार की है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका की एबॉट लेबोरेटरीज ने कोरोना वायरस की जांच करने के लिए एक नई टेस्ट किट तैयार की है जिसमें केवल 5 मिनट में ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। और ये चिकित्सा बनाने वाली कंपनी 1 अप्रैल से हर दिन 50,000 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रही है। एबॉट प्रयोगशाला लेबोरेटरी की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका शिकागो US में है। CEO है माइल्स डी वाइट। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को ट्रैक करने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, सही उत्तर होगा कोरोना कवच। तो अभी भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को ट्रैक करने के लिए कोरोना कवच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर के बनाया है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए व्यक्ति की लोकेशन को यूज करके ये पता लगाया जाता है कि क्या वे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है या नहीं, मतलब वो कहीं रेड जोन में तो नहीं है जहाँ पे संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से उस जगह पे वो फैल रहा है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए कितना निवेश करने का फैसला किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, $5,00,000,000। तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए वर्चुअल G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें G20 देशों के द्वारा $5,00,000,000,000 निवेश करने का फैसला किया गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा देखो, यहाँ पे G20 की बात हुई है तो G20 मतलब ये मत समझ लेना कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो 19 तो होते हैं कंट्रीज और एक है यूरोपियन यूनियन और इन सभी का ग्रुप बनाता है G20 को। G20 की इस साल का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे, रियाद में होना है और अगले साल इटली में होगा और फिर उसके अगले साल होगा भारत में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसने साल 2020 के लिए पेन हेमिंग्वे अवार्ड जीता, तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, रुचिका तोमर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर आप में से अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों की शेयर करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको हर दिन नए नए अच्छे अच्छे पॉइंट रिवाइज कराने में मेरा भी मन करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिविजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिविजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज वीडियो PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।